अब धीरे धीरे करके म्यूजिक इंडस्ट्री को अकल आ रही है। जिस तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड शुरू हुआ या जिस तरीके से गानों को बुरी तरीके से लताड़ा जाता है क्योंकि वो सेम टोन के होते हैं, सेम पुराना कोई गाना उठा लिया उसका कॉपी पेस्ट होता है या फिर ट्यूनिंग ज़्यादा होती है और उसमें जो है कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, या फिर अगर कोई म्यूजिक वीडियो आ रही है राइट उसमें कुछ ना कुछ स्टोरी नहीं होती, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मेकर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना वो प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंटेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा गाना अभी तक 2022 में नहीं आया बातों बातों में। स्वागत है चैनल टेली खजाना में, मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शाश्वत सचदेव जो कि फिलौरी के टाइम में उनसे मिला था, मुझे याद है, उनका ही एक नया गाना आया है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है और वाद्य यंत्र पे उनकी जो पकड़ है, अलग अलग वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बातों बातों में उन्होंने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। और मैं कहता हूँ कि ये एकदम फ्रेश स्टार्ट के साथ है। देखो भाई, अच्छा कंटेंट मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ चाहे वो कोई भी बनाए। ऐसे में आप लोगों को बता दूँ तो बातों बातों का कॉन्सेप्ट इतना फ्रेश है और हमारी इंडियन सोसाइटी से इतना ज़्यादा रिलेटेबल है कि आई कैन ऑल्सो रिलेट विद दैट। यहाँ पर हम स्टोरी में देखते हैं एक लड़का है जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करता है और वो जो है म्यूज़िक में जाना चाहता है, वो चला भी गया है, इनफैक्ट वो जीत कर भी आया है, बट उसके अब्बा से उसकी नहीं बनती है, उसके पिताजी से उसकी नहीं बनती है। लेकिन किस तरीके से वो बनाते हैं, किस तरीके से लास्ट में उसे एक बहुत बेहतरीन जो बाप बेटे का रिश्ता है वो सुधर कर आता है, ये तो स्टोरी की लाइन है, ठीक है, जो एक सिंगल नरेशन में मैंने बता दी। लेकिन जब इसके म्यूजिक की बात आती है तो शाश्वत सचदेव ने बहुत ही ज़्यादा जस्टिस काम किया और क्या फाइन काम किया है। और वहीं अनुमिता ने भी बहुत अच्छा गाना गाया है। देखने में ये वीडियो जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगी और आपके दिल को छुएगी, मैं लिख कर दे सकता हूँ। अब देखिए, आजकल कमर्शियल गानों में दारू लड़की पार्टी और चार बोतल वोडका या शॉर्ट्स लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, नचा तमार फराटे मार के, समथिंग समथिंग ऐसे जो भड़काओ, यू नो, एक तरीके से भड़कीले शब्द होते हैं, वहीं बातों बातों में सुनकर आपको सुकून मिलेगा जो कि बहुत मुश्किल से आजकल गानों को सुनने के बाद मिलता है। सो यस, ये गाना ज़रूर सुनिए, शाश्वत सचदेव का ये गाना है बातों बातों में, रिलीज़ हुआ है उन्हीं के ही चैनल पे, एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि इतना बेहतरीन गाना अभी तक 2022 में आपने शायद ही सुना होगा। चलता हूँ, अपना आप ज़रूर सुनिए गाना और ये वाला गाना सुनिए और अपना रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिए। बाय बाय।